हेलो दोस्तों। तो जैसा आपको पता है, कल है मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति की तैयारियां हो चुकी है शुरू। तो आपको मैं बताऊंगा, ये देखिए, तिल तिल को भी भुना जा रहा है। तिल के लड्डू बनाए जाते हैं मकर संक्रांति पे। तो ये काम कर रहे हैं मेरे पिताजी, और पिताजी अभी बिजी लग रहे हैं मुझे। और मेरे जो दादी जी है, वो काट रहे हैं गुड़, और गुड़ के साथ और भी काटेंगे जो तिल के लड्डू में पड़ता है। ये देखिए, ये मेरे माता जी कैमरे से छुप रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर में जब हम तिल के लड्डू बनाना शुरू करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनाए जाते हैं तिल के लड्डू, और काफ़ी टेस्टी बनेंगे दोस्तों। और आपको, आप भी ज़रूर बनाएं और तिल के लड्डू का आनंद लें। तो देख रहे होंगे आप पहाड़ी चूल्हा, और पहाड़ी चूल्हे में आग जल रही है और तिल भुने जा रहे हैं। तो मैं अपने दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं आया था अपने गांव, और गांव में ले रहा हूँ किचन के। ये देखो मेरे पिताजी, हाय कर दो सब। और इस टाइम किचन में बैठ के आनंद लिया जा रहा है। आग सेकी जा रही है लोहे के चूल्हे में, और मेरे दादी जी भी देखो बैठे हुए हैं स्कार्फ पहन के। दादी जी भी हाय कर रहे हैं। तो अभी आपके सामने थोड़ी देर में तिल के लड्डू मैं बताऊंगा कि कैसे बनाए जाते हैं और कैसे बनेंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि जो भी इसमें चीज़ें डलती है, वो हो चुकी है मैश। और इसको अभी हल्की आग पे पकाया जाता है। ये तिल है और गुड़ है, और इसको अभी मिक्स किया जा रहा है, और हल्की आग पे ये पकाया जाता है, और उसके बाद इसके तिल के लड्डू बनते हैं। ये चीज़ें सिर्फ गांव में ही पॉसिबल है दोस्तों, क्योंकि आमतौर पे गांव में ही ये सब चीज़ें उपलब्ध रहती है, और चूल्हे पे तो इसका अलग ही मज़ा है। आज दूसरा चूल्हा जला रखा है। तो फ्रेंड्स, अब आपको मैं दिखाता हूँ कैसे बनाए जाते हैं तिल के लड्डू। ये देखिए, दो तो बन भी गए हैं, और ये बनाए हैं पापा ने, एक बनाया मम्मी ने, और गर्मा गर्म तिल के लड्डू, और बहुत यम्मी होते हैं। दादी जी नहीं बनाएंगे? आप नहीं बनाएंगे? बनाएंगे। दादी भी रेडी हो गए हैं तिल के लड्डू बनाने के लिए।
तो मैं भी जा रहा हूँ अब तिल के लड्डू बनाने, और कैमरे के पीछे मेरी दादी अम्मा छोटे छोटे ये देखिए लड्डू कितने, मेरे से तो बन नहीं रहे हैं और ना मैं बना पा रहा हूँ, काफ़ी गर्म भी है। और मेरे मम्मी पापा ने देखिए क्या लड्डू बनाए हैं, ये मेरे बनाएंगे लड्डू टेढ़े मेढ़े से, और ये मम्मी पापा ने बनाए हैं, काफ़ी यम्मी लग रहे हैं और काफ़ी अच्छे भी बने हैं। अब दोबारा से गर्म कर रहे हैं इनको क्योंकि ये ठंडे हो जाते हैं। तो दोस्तों लड्डू हो चुके हैं बनके तैयार और कुछ अभी बनने को बाकी है, ये देखिए आप। और थोड़ी देर में मैं तो खा भी लूँगा एक लड्डू, और टेस्टी सा और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मकर संक्रांति पे जो ये लड्डू बनते हैं काफ़ी टेस्टी रहते हैं। के लड्डू बन के हो चुके हैं तैयार और काफ़ी यम्मी लग रहे हैं खाने में, और मैंने भी अभी एक टेस्ट किया तो काफ़ी अच्छा टेस्ट था तिल के लड्डू का, काफ़ी यम्मी थे। तो अब इनको कल खाया जाता है, वैसे तो ये प्रसाद के रूप में बनाए जाते हैं, तो अब खाएंगे कल। तो दोस्तों आप भी मकर संक्रांति पे ऐसे ही तिल के लड्डू बनाएं और मज़ा लें इन लड्डुओं का।